गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है अतीश जैन और आपके लिए लेकर आया नया ओनरशिप रिव्यू। तो गाइज, ये हमारी गाड़ी है, ये हिमांशु भैया की गाड़ी है और वो आरव भाई की गाड़ी है। तो हमने कुशाक और सेल्टोस का तो ओनरशिप बना रखा है, काफ़ी इन डिटेल हमने बातें करी हैं कुशाक के बारे में भी, सेल्टोस के बारे में भी, बट कभी भी हमने नेक्सॉन की बात नहीं करी, इवन तो आपने ये चैनल पर काफ़ी बार ही देखी है। तो आज हम नेक्सॉन की बातें करने वाले हैं, नेक्सॉन के बारे में पूरा उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, पूछने वाले हैं कि उनकी कैसी जर्नी रही, उन्होंने नेक्सॉन क्यों चूज़ करी। और ये आप रैप वगैरह भी देख रहे हो तो ये रैप जेट एडिशन की तरह हुई भी है, ये सैटन ब्लैक है, काफ़ी सुंदर लगती है, पर भाई ये देखो गंदी भी उतनी जल्दी होती है, तो इसको माइंड मत करना प्लीज़। बट ये है, आज हम पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि भाई भैया ने नेक्सॉन क्यों ली, फिर उसको ट्यून क्यों कराया, क्या क्या उनके आज तक पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, सर्विस एक्सपीरियंस, डिलीवरी एक्सपीरियंस, सारी बातें उनसे करने वाले हैं। तो भैया के पास चलते हैं हम गाड़ी के अंदर, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए सब अंदर है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई कार में सबसे पहले आप देखो, एक तो ये जेट एडिशन है, पर जेट एडिशन आता है इस कलर में, जो उसका ओरिजिनल कलर होता है वो ये होता है, बट भैया ने सैटन ब्लैक इसको रैप करा रखा है। तो कैसे हो हिमांशु भैया? बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो आज हम हिमांशु भैया की गाड़ी में बैठे, फिर से हम बैठते ही रहते हैं अब तो काफ़ी बारी घूमने जब जाते हैं, तो कार को एक बारी ऑन कर लेते हैं। ये क्या आवाज़ आई? सर्विस ड्यू दिखा रहा है वो, ऐसे ही दिखा रहा है। अच्छा, हो चुकी ना तो। अच्छा, हल्की हल्की ये वाइब्रेशन जो है ये आइडलिंग पे आती है या वैसे भी आती है? आइडलिंग पे आती है बस। आइडलिंग पे आती है, अच्छा। तो गाइस सबसे पहले हमें हिमांशु भैया से पूछते हैं, हिमांशु भैया आपने नेक्सॉन कब खरीदी थी? सितंबर 2022 है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम हो गया? 7 महीने भाई। 7 महीने हो चुके हैं और आप चला चुके हो गाड़ी को? 16,500 अप्रॉक्सीमेटली होने वाले। हाँ, होने वाले। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं, ये है एक अंडर 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी है ना, तो इसी बजट में आपने टॉप ऑफ द लाइन मॉडल लिया 14 लाख रुपए का, जेट एडिशन इसे कहते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो इसी प्राइस पॉइंट में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में XUV 300 ग्रैंड विटारा ब्रेजा, तब तो विटारा ब्रेजा के नाम से आती थी, उसी के साथ आपके और कुशाक और सेल्टोस क्रेटा के भी कुछ मॉडल्स आ जाते थे आपके। वैसे ब्रेजा आ चुकी थी, विटारा ब्रेजा नहीं, नई ब्रेजा। अच्छा, नई ब्रेजा भी आ चुकी थी। अच्छा, तो फिर आपने फिर नेक्सॉन की तरफ आप क्यों गए, मतलब ऐसा क्या अट्रैक्ट करा नेक्सॉन के बारे में आपको? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज यार के जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, अच्छा, वो ना तो ब्रेजा में और ना सेल्टोस में, ना बिल्कुल, नो डाउट। हाँ। और कुशाक में है। हाँ। पर कुशाक मुझे टॉप मॉडल नहीं मिलता। अच्छा, टाइगून मिलता टॉप, ये टॉप ऑफ द लाइन है बिल्कुल, इस रेंज में नहीं मिलते, ये टॉप मॉडल है एकदम, इसमें सारे फीचर्स हैं, तो इसलिए उनपे मैं नहीं गया, मैंने यार उसमें एक्स्ट्रा पैसे खर्चने बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर ही ऑलरेडी मैं 1.5 लाख रुपए बजट बढ़ा चुका था, मुझे डार्क एडिशन लेना था वो अराउंड 13 का पड़ रहा था। अच्छा, आपको डार्क एडिशन लेना था, आपको जेट नहीं लेना था, तभी तो इसको रैप करा। अच्छा, नहीं तो जेट का बिल्कुल प्लान ही नहीं था, या बिल्कुल प्लान ही नहीं था, ये तो बस लॉन्च हुआ है और चौथे दिन मुझे गाड़ी मिल गई। अच्छा, बट ये है कि 1 अगस्त को इन्होंने अनाउंस करा था, 4 सितंबर को मेरी गाड़ी आ गई थी, बस वही बाकी जो फॉर्मेलिटीज रहती हैं उनके चक्कर में 1-2 दिन लग गए थे, फिर मेरे को गाड़ी आ गई। अच्छा, बट जो आपकी बात है कि उसका टॉप मॉडल नहीं मिलता, भाई उसका एक रीजन ये भी है कि जो कुशाक है वो हमारी अंडर 4 मीटर वाली सेगमेंट में है ही नहीं, वो 4.2 में ही है। हाँ, तो उसके करेटा सेल्टोस जैसे ही रेट है। हाँ जी। है ना, तो आरव भाई, वैसे चलो अभी तो आरव भाई से बाद में पूछते, पूरा स्पेस वगैरह का, आपने नेक्सॉन ली कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, टॉप मॉडल मिल रहा था, और जेट एडिशन पे जब आपने ट्रांसफर करा तो आपको क्या क्या फीचर एक्स्ट्रा मिले? एक तो भाई वेंटिलेटेड सीट्स, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लगता है मेरे को, जो क्रेटा सेल्टोस की भी टॉप मॉडल में मिलता है, वरना किसी और गाड़ी में इस सेगमेंट में नहीं आता, प्राइस इससे ऊपर ही जाएगा जहां मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। ब्रेजा के भी यहां तक कि टॉप मॉडल में वेंटिलेटेड नहीं है, नहीं है। 1475 का था उस टाइम पे जब ये 14 की थी, टॉप मॉडल 1475 का था, अब तो और ज्यादा हाइक हो गया होगा, पर उसमें भी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी ना, और उसमें वायरलेस चार्जिंग थी, और सबसे बड़ी बात के ना उसके अंदर ये कंसोल नहीं था, ये चीज थोड़ी प्रीमियम फील होती है। जी 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 बिल्कुल, और ये सॉफ्ट टच भी, आर्मरेस्ट है, वायरलेस चार्जर है, ना तो उस XUV 300 में था ना ब्रेजा में थी, और ये ड्राइविंग मोड्स भी नहीं आते किसी में, नहीं किसी में नहीं आते। अच्छा, तो एक ही हो गया हमारा, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, ड्राइविंग मोड्स तो चलो वो तो नहीं है, ऑटो डिमिंग जो, अच्छा, ORVM, IRVM सॉरी, और उसी के साथ और एक वो टायर्स का जो टायर ब्रॉड कर दिए थे, इसके कितना सेक्शन टायर है?
इसका R1660 215। तो इसके अंदर भी आपको सेम सेल्टोस वाला सेक्शन का टायर मिलता है बेसिकली, तो उससे ग्रिप में फर्क थोड़ा बहुत पता चलता है अगर आपने नॉर्मल नेक्सॉन चलाई हो कभी। बहुत फर्क पड़ता है अगर आप देखोगे ना, जैसे ब्रेजा देखोगे, ब्रेजा की बॉडी इन्होंने बल्कि कर दी, मतलब मैं आउटलुक्स के हिसाब से बता रहा हूँ जनरली, कि जैसे नेक्सॉन की बॉडी भी ना बहुत बल्कि है, पर पुराने टायर्स लगते थे छोटे उसके हिसाब से, ऐसे लगता था यार इतनी बड़ी गाड़ी में छोटे टायर दे दिए, जो अभी भी ब्रेजा में फील होती है। जैसे लेते टाइम मुझे ब्रेजा में ये चीज फील हुई थी यार, बॉडी इतनी बड़ी है टायर छोटे। तो आपने उन गाड़ियों की भी ली थी वैसे टेस्ट ड्राइव, ब्रेजा की? किस किस की ली थी आपने? ब्रेजा ली थी, XUV300 ली थी। अच्छा, और क्रेटा भी ली थी मैंने। अच्छा, क्रेटा की भी ली थी। तो फिर मतलब क्या क्या पर्सपेक्टिव थे ये XUV300 की? उन्हीं आउटडेटेड इंटीरियर, बहुत आउटडेटेड है, और नो डाउट गाड़ी की क्वालिटी इसके जैसी है उसकी, बिल्कुल सेम बिल्ड क्वालिटी है, सब कुछ बढ़िया है, पर उसका जो इंटीरियर है ना वो बहुत आउटडेटेड है और अभी तक भी आउटडेटेड है। और ब्रेजा? ब्रेजा वही भाई, कोई फील ही नहीं अलग। चाहे स्विफ्ट बैठ जाओ, चाहे बलिनो बैठ दो, बलिनो बैठ जाओ, चाहे वैगनार पुरानी बैठ जाओ, किसी में भी बैठ जाओ, उसमें फील चेंज है ही नहीं। तो मारुति का फिर मन था ही नहीं फिर? बिल्कुल, क्योंकि हर मारुति में सेम फीलिंग आती है, फील आ रही थी क्योंकि घर में स्विफ्ट भी है, मेरे पास वैगनार भी थी, ठीक है, भाई के पास बलिनो भी है, रोहन भाई की बलिनो आपने देखी है, जी जी जी, कोई फील ही नहीं थी चेंज। अच्छा, तो फिर क्रेटा में फील आई थी? क्रेटा भाई इंटीरियर में इससे थोड़ी सी कम लगी थी मुझे। अच्छा, इंटीरियर वाइज, मतलब डिजाइन वाइज, मतलब ये है ना कि जो कम्फर्ट है ना, जैसे अगर आप इसके अंदर हाथ रखोगे आराम से, पूरा कम्फर्ट है, उसके अंदर नहीं फील हुआ। अच्छा, आपने पहले भी टाटा की कोई गाड़ी रखी हो? टाटा हैरियर है ना, टाटा हैरियर है, तो इस वजह से भी आपका थोड़ा टाटा की तरफ इंक्लाइन था कि आप वो यूज कर चुके थे। वो उसको कितना टाइम हो गया भैया? उसको हो गया 1 साल से ऊपर हो गया, उसको 1 साल से ऊपर हो गया, 4 महीने हो गए। तो मतलब जो डिलीवरी एक्सपीरियंस की बात करें तो हैरियर और नेक्सॉन में आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला था? बहुत बढ़िया था भाई वो। अच्छा, डिलीवरी टाइम बहुत बढ़िया था, वेटिंग पीरियड भी, सर्विस में भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं इसकी सर्विस बेकार है, मैं तो एक बार भी फील नहीं हुई। वो भादुरगढ़ सर्विस हो रही है अपनी, यहाँ पिरागढ़ी हो रही है, और मैंने अगर कहीं बाहर भी जनरली दिखाया है, मोतीनगर भी, हाँ जी, तो हाँ भी जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सारी बात सुनी जाती है, सुनवाई होती है, ठीक भी कर देते हैं। टाइम कितना लेते हैं? मतलब ज्यादा लेते हैं, नॉर्मल है भाई जो उनका नॉर्मल है यार। अब देखो जनरल सी बात है, अगर एक दुकान भी है वहाँ पे जब मेड से आगे ऑलरेडी 10 कस्टमर है तो मेरा नंबर 11 वही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई फर्क अच्छा नहीं है उसके अंदर। तो वही है, सुबह दे दो गाड़ी शाम तक मिल जाएगी, है ना, इतना फर्क तो है ही। और चलो सर्विस की बात आपने छेड़ी है, तो सर्विस की कॉस्टिंग कितनी आई? जैसे आपने 15,000 वाली सर्विस कराई होगी, क्योंकि इसकी हर 15,000 पे होती है, राइट? 10 पे नहीं होती इसकी। एक ये भी चीज है जो मतलब ये अच्छी चीज है कि ये भी बिल्कुल वैग ग्रुप टाइप जैसे आपकी होती है, 15,000 पे वैसे कर रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट तो आपकी फ्री होगी। हाँ जी। उसके अलावा कितना खर्चा था? 5,500 रुपए। तो आपको नहीं लग रहा ज्यादा है एक नेक्सॉन गाड़ी के लिए 5,500 रुपए की सर्विस? भाई चीजों पे डिपेंड करता है। सारा तो आपने क्या, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, है ना, ये 3 चीजें आपकी चेंज हुई है। और जबकि अभी व्हील बैलेंसिंग, अच्छा अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग भी हुई है, और लेबर अभी आपकी फ्री है पर? हाँ, लेबर फ्री। और अरब भाई आपका जो सर्विस पैकेज था, हाँ जी भाई, उसमें भी अप्रोक्सीमेटली कितने का पड़ रहा था एक सर्विस भाई? मतलब वो 4 साल का था ना, आई गेस 1,250 का पड़ेगा वो पर सर्विस, क्योंकि 25,000 के 4 साल है, 25,000 में 4 सर्विस, तो 6,250। और उसके बाद जब आप सर्विस पैकेज की बात करोगे तो भी इतना ही एस्टिमेट होता है, बढ़ जाता है? आईडिया ही नहीं अभी तक करवाया, नहीं बिल्कुल भी आईडिया। वो इसीलिए वो बढ़ जाता है भाई। अच्छा, वो बढ़ता इसीलिए है क्योंकि ना वो पैकेज दे देते हैं, बोलते हैं इनका इंक्लूडिंग टैक्सेस है, और अगर हटा दो तो वो टैक्स अलग से लगा देते हैं। अच्छा, तो भाई को जो पैकेज दिया है वो 25,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस दिया है, अगर वो पैकेज नहीं लेंगे तो 6,250 पे 18% टैक्स लगेगा बस। अच्छा, ये फर्क करते हैं वो इकट्ठे पैसे लेके। पर वैसे हाँ, अभी मेरे को एकदम से वापस क्लिक हुआ कि ये 15,000 पे सर्विस हो रही है और 5,500 रुपए का बिल है, फिर तो ठीक है। हाँ, क्योंकि एक तरीके से 50% तो एक्स्ट्रा चल ही रहा है ना। जैसे अगर मेरी सेल्टोस 4,000 रुपए में सर्विस हुई थी, पर वो थी 10,000 रुपए, आपकी 5,500 रुपए में 15,000 वाली सर्विस हो रही, मतलब एवरी 15,000 किलोमीटर, तो आपको कम फ्रीक्वेंटली जाना है वहाँ पे जितना मुझे जाना है। तो उसके बाद भी अभी आपने 6 महीने 7 महीने चला ली, 16,000 से भी ऊपर चला ली, क्या पॉजिटिव्स लगे और नेगेटिव्स लगे नेक्सॉन के पर्टिकुलरली? पॉजिटिव्स की बात करते हैं पहले। चलो
हमारे लिए तो सब पॉजिटिव है भाई। नहीं फिर भी कोई ऐसे फीचर होते हैं ना जो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मैं सेल्टोस का कहूंगी मेरे को म्यूजिक सिस्टम अच्छा लगता है ऐसे ऐसे, तो आपको क्या? म्यूजिक सिस्टम तो इसका बहुत अच्छा है। अच्छा इसका कौन से ब्रांड? अच्छा हरमन का आता है। हरमन का आता है तो टाटा मैंने देखा हरमन का ही देता है, शायद हैरियर में भी हरमन ही है। उसके अंदर स्क्रीन अब करी है रेड डार्क में जिसमें हरमन करी है, वरना JBL स्पीकर शायद JBL के थे ना उसमें पहले। हाँ और कनेक्ट नेक्स्ट की वो थी ब्रांडिंग। अच्छा स्क्रीन तो जैसे आपने ये बताया कि हरमन के स्पीकर है तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? अच्छा है भाई। अच्छा सबवूफर तो नहीं है इसमें डिक्की में? है नहीं। अच्छा चार स्पीकर चार ट्विटर आई गेस, पीछे ट्विटर है यार? नहीं ट्विटर नहीं है। है ना तो चार स्पीकर चार ट्विटर इनफ है, और ऑडियो क्वालिटी आप बता ही रहे हो अच्छी है, उसी के साथ और फीचर भी है पॉजिटिव्स में? मेन तो ड्राइव क्वालिटी की बात है भाई, फीचर इतने ज्यादा। अब जैसे गर्मी आई है सर, ड्राइव क्वालिटी में जैसे कैसे? ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई गाड़ी की। आप इसको गाड़ी को मैंने 184 तक लास्ट भगाया है। मतलब ड्राइव क्वालिटी आप इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कह रहे हो? हाँ स्टेबिलिटी। अच्छा। मैंने पहाड़ों पर भी चलाया है इसको, ऑफ रोड भी करा है, मैंने हर तरीके से गाड़ी को चलाया। तो एक तो स्टेबिलिटी पॉइंट हो गया ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से, उसके बाद और कोई पॉजिटिव? जैसे वेंटिलेटेड सीट्स एक मेरे को बहुत बढ़िया फीचर लगा इसका। हाँ और बाकी आप बताओ, आप चला रहे हो गाड़ी? तो भैया पॉजिटिव्स, नेक्स्ट पॉजिटिव की बात करें तो जैसे आपने बताया ड्राइविंग फील मतलब स्टेबिलिटी अच्छी है आपके हिसाब से, ठीक है, और वैसे भी अच्छी है मैं नहीं कह रहा आपके हिसाब से। उसके बाद आपने म्यूजिक सिस्टम का बताया, ठीक है, और बताओ कोई बाकी कम्फर्ट भाई गाड़ी में? हाँ मैंने देखा टाटा की ना सीट्स बहुत विड्थ में चौड़ी चौड़ी होती है, मतलब अगर कोई भी कैसी भी फ्रेम का हो, चाहे वो पतला हो चाहे वो हल्का सा ऑन द हेवियर साइड हो, तो जो सीट कंफर्ट होता है नेक्सॉन का या किसी भी टाटा की गाड़ी का, चाहे वो इंडिका से आप आते हुए देख लो, तो काफी ज्यादा बढ़िया होता है। हैरियर में भी आई गेस बढ़िया ही आपको मिला होगा। हाँ बहुत बढ़िया कंफर्ट में तो सबसे अच्छी लगती है मेरे को ये, सबसे अच्छी लगती है। हाँ अच्छा, चाहे हैरियर हो चाहे ये हो, कंफर्ट में मामले में ना जैसे आपने बोला ना कि इसके अंदर ना आपको जैसे कॉम्पैक्ट है ये, फिर भी अगर आप बैठते हो तो आपको फील नहीं होता, खुला खुला फील होता है, विड्थ में अच्छी फील होती है। हाँ विड्थ में अच्छी फील होती है। और मैं बता दूं वैसे भाई देखो, इसकी वेंटिलेटेड सीट्स मैंने भी यूज करी हैं और इसकी वेंटिलेटेड सीट्स बहुत बढ़िया काम करती हैं, ठंडक प्रोवाइड करती हैं। जस्ट द कैच इज कि खड़ी गाड़ी में फील नहीं होती आपको, जब गाड़ी चलाते हो जब एसी की कूलिंग बढ़ जाती है तो आपको फीलिंग ज्यादा अच्छी आती है, तब आपको फील होता है ठंडा ठंडा भी फील होता है प्रॉपरली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पसीना नहीं आएगा, फील भी होगा कि ठंडा लग रहा है। उसी के साथ एक बारी बैक सीट कंफर्ट की बात करें, आरव भाई, आपके पास कुशाक है जो अंदर आई गेस लेग रूम में सेम होगी अप्रोक्सीमेटली। हाँ। या उसका ज्यादा है, थोड़ा बहुत कह सकते हो भाई। अब अच्छा ज्यादा है तो माइनर कह सकते हो, कोई जमीन आसमान का। अच्छा नहीं है क्योंकि वो 4.2। हाँ ये वो 4.2 है, 4. अंडर 4 है ये। बट भाई मतलब एक बार कैमरा इसकी तरफ करो, जैसे ये जो सीट है ना, इवन जो डिजाइन है ना, हाँ ये मतलब टॉप मॉडल में 14 लाख की रेंज में मिलना मतलब बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा बहुत अच्छी लुक है मेरे हिसाब से तो। हाँ हाँ। अगर व्हाइट में ऐसा टेक्सचर हो और सीट कंफर्ट लाइक जो कुशनिंग वगैरह है, ये देखो ना जब मैं बैठा हूँ बैक के लिए मतलब पूरी जैसे कुशनिंग होती है, बिल्कुल वैसी सपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत रिक्लाइन एंगल बिल्कुल सही है भाई, सही है, ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा और होना चाहिए कम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, परफेक्ट है। और मेरे को इसकी सीट्स बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अगर देखे ना इंटीरियर वाइज 14 लाख की रेंज में अंदर पूरा वाइट और सेंटर में आर्मरेस्ट वगैरह भी है तो वो भी थोड़ा प्रीमियमनेस की फील आती है, आती है। और लेग रूम नी रूम अंडर थाई सपोर्ट कैसा है भाई? सही है बिल्कुल सही है, अंडर थाई। आपकी हाइट वर्ल्ड की 6 फुट आई गेस है ना? 5'11" है और आपकी हाइट कितनी भैया? 5'11" देखो 2 5'11" वाले जने आराम से बैठ सकते हैं और अभी भी जगह बची है, सही है, है ना? तो भाई ये है कि यूज ऑफ स्पेस काफी अंदर अच्छा करा है अंडर 4 मीटर में, एक ये बात तो आपकी कंफर्ट वाली माननी पड़ेगी। तो आप नेगेटिव्स पे आते हैं भैया, नेगेटिव्स क्या क्या लगे अभी तक? नेगेटिव भाई सबसे बड़ा नेगेटिव लगता है मुझे ये, क्या चीज का? कप होल्डर। अच्छा अब ये देखो भाई बैठा है मैं बैठा हूँ, हाँ। अब हो गया ना स्पेस खत्म बिल्कुल, अब यहाँ पर क्या सामान रखेगा बंदा भाई भाई भाई, क्या यूज है कप होल्डर? तो कप होल्डर सेंटर में, अच्छा कहीं सेंटर में दे देते या यहाँ दे देते जैसे गाड़ी में आता है बाहर आ जाता, बिल्कुल स्पेस का वहाँ पे यूज हो सकता था। हाँ जी हाँ जी। सबसे बड़ा तो एक ये पॉइंट है, अच्छा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो कप होल्डर नहीं है गाड़ी में, तो एक वो प्रैक्टिकलिटी में एक पॉइंट उन्होंने मिस कर दिया। हाँ। कि डेली ड्राइव्स पे या कभी आपको कोई ड्रिंक खरीदनी हो कुछ करना हो तो रखने के लिए जगह भाई ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड में जो बॉटल होल्डर भी है ना, हाँ हाँ, वो एकदम टेढ़े जा रहे हैं। हाँ वो स्लांट है ऐसे सीधा नहीं है। हाँ। तो अगर ड्राइवर है, अगर मैं समझो अकेला ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी बॉटल एकदम यहाँ पर है, मैं मतलब उसको निकालने के लिए मुझे ही बहुत, टाटा ने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की इन चीजों पे जरूरत है। तो एक कप होल्डर्स की मिसिंग है आपको,
एक ये स्क्रीन, अगर आप बाकी मतलब जैसे देखोगे ना तो थोड़ी सी स्क्रीन और गाड़ियां देखोगे, हाँ, स्क्रीन बड़ी दे सकते थे इसमें, हाँ, ये कितने इंच की स्क्रीन होगी? 7 इंच की, 7 इंच की स्क्रीन है। तो ये थोड़ा सा आपको लगता है कि जैसे सोनेट है, हाँ, उसमें कितनी बड़ी स्क्रीन आती है, बड़ी स्क्रीन आती है, अच्छी भी लगती है वो, हाँ, पर इसकी स्क्रीन ना मतलब बाकी गाड़ी के हिसाब से, अब देखो गाड़ी का डैशबोर्ड कितना बड़ा है, हाँ, ठीक है, वो डिजिटल मीटर है, उसके हिसाब से स्क्रीन थोड़ी सी बहुत प्रोपोर्शनेटली छोटी लगती है, बहुत छोटी लगती है, अजीब सी लगती है कि आपने ये सारी चीज इतनी प्रीमियम बना दी और इसको रख दिया एकदम छोटा सा, गाड़ी में फील ही नहीं आती कि यार स्क्रीन होने का कोई बेनिफिट भी है। बिल्कुल। तो और अगर आप कैमरा क्वालिटी की बात करो तो वो कैसा भैया? कैमरा क्वालिटी तो अच्छी है भाई, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, हाँ। अच्छा, हाँ, और शायद गाइडलाइंस भी जो है इसकी वो अडाप्टिव है, हाँ जी, हाँ, तो ये भी है भाई, ये तो चलो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। तो एक होगी स्क्रीन, एक आपका हो गया कप होल्डर्स, और बताओ इंजन परफॉर्मेंस? इंजन परफॉर्मेंस तो भाई बढ़िया है, अच्छा, हाँ, पर मतलब अगर किसी को इंथुजियास्टिकली ड्राइव करना है तो उसके लिए नहीं है, नहीं उसके लिए नहीं है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी बहुत कंफर्टेबली आपको पहुंचा देगा, बट उसके अलावा किसी को भगाने का शौक है कुछ है तो इंजन जनरली आप भगा रहे हो तो भागेगी भाई, बहुत बढ़िया भागेगी, अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में तो ये मतलब इसके जो मोड्स है ना, हाँ, वो आपको फील होंगे, अच्छा, इफेक्टिव है, हाँ, सिर्फ नाम के नहीं है, आप इको मोड में चलाओ तो आपको लगेगा गाड़ी दब रही है, अच्छा, मोड में लगेगा हाँ गाड़ी फ्री हो गई, अच्छा, और जैसे ही स्पोर्ट्स मोड में गई तो आपको एक्सीलेटर भी फील हो जाएगा कि अब तो बिल्कुल फ्री हो गया, अच्छा, और उसके अकॉर्डिंगली इसका स्पीडोमीटर भी सेट है, क्योंकि मैंने इको मोड में भगाई है तो मैक्सिमम गाड़ी 140-142 के बाद ना वो मीटर ऐसे अप डाउन लग जाता है, ऊपर जाता ही नहीं, समझ गया समझ गया, सिटी में जाता है तो 165-166 पे वैसी सेम सिचुएशन, और स्पोर्ट्स मोड में लास्ट 184 तक तो गाड़ी भगाई है, उससे ऊपर मैंने जाने की कोशिश नहीं की, हाँ, आपने मतलब बैक ऑफ कर दिया ना गाड़ी का पोटेंशियल था, हाँ, पर मैं एक चीज फील कर पा रहा हूँ जो नेगेटिव का ही है मतलब मेरे हिसाब से, तो कि आइडल गाड़ी ना बारी बारी वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट हो जा रही है, जबकि आज ही सुबह आरएफ की गाड़ी में भी बैठे हुए थे तो ये चीज उसमें तो बिल्कुल भी नहीं थी यार, मतलब वाइब्रेशन थी पर इसमें कंपैरेटिवली काफी ज्यादा 3 सिलेंडर होने के कारण, और कुशाक में वो बिल्कुल स्टार्टिंग में तो होती है, जब वो बिल्कुल हम फर्स्ट कोल्ड स्टार्ट करते हैं तब होती है, उसके बाद वो बहुत मिनिमम हो जाती है, पर इसमें ये भी रीजन हो सकता है जैसे 3 सिलेंडर ये भी है वो भी है, बट वो 1000 सीसी है, 1200 सीसी है, 200 सीसी का इंजन लोड भी यार, फिर तो और कम होना चाहिए ना, नहीं लोड हो गया ना, लोड हो गया ना कि 1200 सीसी ही आपके 3 सिलेंडर पे पड़ रहे हैं, उसमें 1000 सीसी आपके 3 सिलेंडर पे पड़ता है, पता नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, जब आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हो तो वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर है भी तो कुछ टाइम बाद उसे नॉर्मल हो जाना चाहिए। 3 सिलेंडर टाटा बहुत पुराने टाइम से ही चल रहा है भाई, अभी भी 3 सिलेंडर देखो, पंच 3 सिलेंडर सिलेंडर ना बहुत पुराना है टाटा का, 3 सिलेंडर फिर तो इम्प्रोवाइज करना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रॉस में भी 3 सिलेंडर आता है, अच्छा, पंच में भी 3 सिलेंडर आता है, इससे पहले इंडिका में भी 3 सिलेंडर आता था, अच्छा, आप हैरियर और सफारी में जाओगे तो फिएट का इंजन है, टर्बो जो डीजल वाला है, और ये जो हम देख पा रहे भाई ये सनरूफ, ये भी जेट एडिशन, ये तो आती है नॉर्मल एडिशन में भी, पर ये साइज थोड़ा सा नहीं, ये साइज तो बड़ा ही है भाई, अच्छा ये पीछे का, ओके ओके ओके, कवर अंदर जाता है ना, समझ गया, मेरी वाली में अंदर नहीं जाता, हाँ। मेरा जितना वो मैक्सिमम मैं खोलता हूँ उतना ही खुलता है, हाँ जी, तो इसमें से तो कोई निकल सकता है आराम से, आई गेस, मतलब रिकमेंडेड नहीं है, आराम से निकल जाएगा, अच्छा ठीक है फिर, तो मतलब यूजफुल है, मतलब ये भी फीचर, पानी वानी लीक हो रहा हो? नहीं, चलो यही था भाई, तो आप सेटिस्फाइड हो अपनी इस चॉइस से? आज अगर आपको वापस 14-15 लाख रुपए का बजट हो और जैसे आप एक दो ऑप्शन नए भी अगर कोई आपने देखी हो तो आज भी आप यही गाड़ी लेना चाहोगे या आप किसी और गाड़ी पे स्वैप करोगे? नहीं स्वैप करेंगे भाई, अब किस पे? अभी तो रिसेंट में अगर जाऊंगा तो फिर सेडान पे जाऊंगा। अच्छा, अब आपका सेडान का मन है? हाँ। अच्छा, तो अब इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं मतलब अगर आपको आज एक गाड़ी इसके बदले ही लेनी हो, हाँ, तो आप कौन सी लोगे, और अगर आपको यही लोगे तो आप ये किसी और को रेकमेंड करोगे? ये क्वेश्चन, ये इसको तो मैं, अगर मेरे को सेम एसयूवी पे जाना है तो मैं यही लूंगा। अच्छा, एसयूवी लेनी है तो यही लोगे, और सेडान लेनी होगी तो कौन सी लोगे भैया? सेडान लेंगे तो भाई फिर वरना लेंगे। अब वरना लेंगे, अच्छा, द 1.5 लीटर टर्बो, अच्छा, तो और आप किसी को रेकमेंड करते हो कि भाई नेक्सॉन ले लो या अदर देन बेटर देन कुशाक या
कुछ आग तो चलो सेगमेंट अलग है बट फिर भी नहीं, प्राइस रेंज में अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए तो भाई नेक्सॉन रिकमेंडेड है। आपका अंडर 15 लाख बजट है तो आप नेक्सॉन का जेट एडिशन टॉप मॉडल ले लो, टॉप मॉडल ले लो। अब तो जेट इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, और तो शायद स्क्रीन वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया। हाँ, वो ईवी में दे दिया तो मे बी इसमें भी आ जाएंगे, इसके अंदर भी आ जाएगी। तो इसमें आपका वो पूरा हैरियर वाला मीटर आ जाएगा और सेंटर में आपका वो आ जाएगा। तो आप ये लोगों को रेकमेंड कर रहे हो, मतलब आपकी तरफ से थम्स अप है कि, और अगर आपको अपनी गाड़ी को आउट ऑफ 10 रेट करना हो अनबायस्ड होके, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब जान के क्या रेट करोगे? 8 अच्छा, और जो दो पॉइंट आपने काटे वो जो कप होल्डर्स और ये सब नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की वजह से, और बाकी जो नॉर्मल जो परफॉर्मेंस है ना वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है वैसे ही। अच्छा, मतलब जनरली भगानी है, रैश ड्राइविंग करनी है तो भाई बहुत बढ़िया भागेगी, ये पक्की बात है। जैसे एक रील वायरल हुई है कि ये वो गाड़ी है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होने देगी कि गाड़ी गई, अच्छा कंट्रोल के बाहर है, वो फील नहीं होता कभी भी। अच्छा, पर वैसे जनरली परफॉर्मेंस में देखोगे तो ये अपने वो भी आएगा, सिर्फ आप गियर बॉक्स की वजह से कह रहे हो। हाँ, गियर बॉक्स या क्लच जो भी मेन इशू है इसका, बिल्कुल। अब वो पता नहीं, क्योंकि अगर जनरल गाड़ी चलाओ तो वो फील नहीं होता, 1% भी फील नहीं होता कि भाई गियर लैग कर रहा है या क्लच में कोई दिक्कत है। क्योंकि क्लच अगर फुकना होता तो भाई 16,000 चल गई, अगर क्लच में जेन्युइन कोई दिक्कत होती तो अब तक क्लच फुक जाता। भाई 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 भाई। बट सबसे ऑटोमेटिक में फिर ये दिक्कत नहीं होगी, एएमटी है ना भाई, वो तो एएमटी है, एएमटी तो वैसे ही बहुत जर्क वगैरह करेगा और परफॉर्मेंस खा जाएगा इसका। एएमटी तो अगर टॉर्क कन्वर्टर होता ना तो बढ़िया होता, क्योंकि इंजन वैसे तो पावरफुल है, गियर बॉक्स का कॉमन होती है। अगर इसका क्लच इशू ठीक हो जाए ना तो परफॉर्मेंस में अच्छी बहुत बढ़िया हो जाएगी। सही में सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई भाई। क्योंकि भाई मैंने ये चलाई हुई है, जैसे अपनी कुशाक अगर थर्ड गियर डाल के चलाते रहो, सेकंड गियर डाल के चलाते रहो, जैसे वो चलती है ना बिल्कुल सेम वे ये चलती है। अच्छा, बस मात का खा जाती है वही गियर शिफ्टिंग वगैरह में। मैं हर वीडियो में और पहले भी बहुत मैंने बोला, इसका कॉन्स्टेंट गियर की स्पीड और वो पिकअप बहुत बॉम्ब है, बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब आप इसका थर्ड डाल लो और भगाते रहो, देखना आप 100 से 140 कितनी जल्दी जाती है। वो इसमें बात है भाई, वो टाटा की सारी गाड़ियों में है वैसे तो, जहाँ तक हमने नोटिस करा है कि मीटर एक बार भी ऐसे नहीं लगता कि डाउन जा रहा है या कहीं स्टेबल हो गया, स्लो हो गया, कुछ नहीं, वो बस बढ़ता जाता है अपनी टॉप स्पीड तक, वो बिल्कुल बढ़ता जाएगा, फिर बिल्कुल रुक जाएगा, फिर उसके बाद वो हो जाएगा कि बस खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, मेरी पावर खत्म हो गई, मैक्सिमम पोटेंशियल टच हो गया। हाँ। तो गाइस देख लिया आपने एक ओनरशिप रिव्यू पूरा गाड़ी का ओनर से, जब उन्होंने गाड़ी अच्छे से चला ली है, मॉडिफाई करा ली है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।